इस गैजेट का वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। बीआर टेक फिल्म्स अमेजिंग टेक वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। बीआर टेक फिल्म्स में आपका स्वागत है और आज हमारे पास एक और कमाल का गैजेट है। हमेशा कुछ ना कुछ नया मैं दिखाता हूँ आपको बीआर टेक फिल्म्स पे। तो भाई एक से एक गैजेट देखने हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो बीआर टेक फिल्म्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और बताऊंगा ये क्या है। बॉक्स में लिखा हुआ है मोबाइल टीवी। अब ये जो लुक है ना पूरी रेट्रो टीवी, वो पुराने जमाने वाले जो टीवी थे उस हिसाब से एक लुक है। चलिए इसको भी साइड में रखता हूँ और बॉक्स में देखते हैं और हमें क्या मिलता है। और ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ एक्सेसरीज़ हैं, एक वायर है, एक यूज़र मैनुअल है। यूज़र मैनुअल फिलहाल मैं साइड में रखता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ दिखाऊंगा ना तो आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है। देखिए ऐसा लग रहा है एक पुराने ज़माने का टीवी है जिसे आज के अंदाज़ में पेश किया गया है। यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज़ हैं जिसको इंस्टॉल करने के बाद में बिल्कुल वैसी लुक आएगी जो पुराने ज़माने वाले टीवी नहीं होते थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाले लकड़ी वाले उस तरह से। एक केबल है यहाँ पे माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी वाली, ऑक्स केबल भी साथ में लगी हुई है 3.5 एमएम वाली। यहाँ पे इसको और रेट्रो लुक देने के लिए देखिए एक एंटीना भी दे रखा है। वैसे इस एंटीने का कुछ काम नहीं है, बस ये खाली लुक के लिए दे रखा है, इसकी शोभा बढ़ाता है। एक रिंग दे रखा है इसे होल्ड करने के लिए और ये मेटल का है। ये जो रिंग है, जो ये हमारा टीवी वाला लुक वाला है ना, ये गैजेट बता रहा हूँ इसके बारे में, ये जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। नीचे स्टैंड भी है। तो अब पहले इसको इंस्टॉल करके मैंने आपको दिखा दिया। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे एक पुराने ज़माने का टीवी आ गया है नए अंदाज में, जैसे कि आजकल के लेटेस्ट कलर टीवी होते हैं। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है और ये क्या चीज़ है, इसमें एक्चुअली में ब्लूटूथ स्पीकर भी है, इसमें FM रेडियो भी है, तो आप इस पे रेडियो भी सुन सकते हैं। आप इसको ब्लूटूथ स्पीकर की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आपका जो स्मार्टफोन होता है ना, स्मार्टफोन का मज़ा अलग है, टीवी का मज़ा अलग है, लेकिन स्मार्टफोन पे अगर आप मैच वगैरह देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, लाइव टीवी चलाते हैं ना, स्मार्टफोन इसके अंदर इस तरह से लग जाएगा और ये पूरा टीवी वाला मज़ा आपको देने वाला है। तो वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिन्हें खरीदना है ना ये, वो वीडियो के एंड में मैं आपको पूरी डिटेल्स इसकी, प्राइस की और कहाँ से लेना है वो बता दूंगा। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी हैं। ऊपर कुछ बटन्स हैं, तो पीछे यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ का बटन है, माइक्रो यूएसबी का है, यूएसबी का है, पेन ड्राइव इसमें कनेक्ट कर सकते हो, मेमोरी कार्ड भी इसमें लगा सकते हो। तो मेमोरी कार्ड से भी गाने प्ले कर सकते हो, पेन ड्राइव से भी प्ले कर सकते हो, ब्लूटूथ तो इसमें है ही, तो यानी अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो आप इसको, अपने टीवी से, अगर स्मार्ट टीवी है मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके आप इसे एज अ ब्लूटूथ स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हो। अब मोबाइल इसमें कौन सा लगेगा, देखिए इसमें 5.5 इंच तक का जो है मोबाइल फ़ोन आराम से लग जाता है। और उसके बारे में भी मैं आपको अभी थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसमें जो है मोबाइल फ़ोन लगेगा और कौन सा मोबाइल फ़ोन आप इसमें लगा सकते हैं। अब लुक तो मैंने आपको इसकी अच्छे से दिखा दी है, मैं इसे पीछे से ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद में ऊपर 4 बटन है जिससे आप मोड चेंज कर सकते हैं, यानी कि ब्लूटूथ स्पीकर या FM इसमें आप चला सकते हैं। और FM चलाने के लिए आपको माइक्रो USB वाली केबल इसमें लगानी होगी जो एज अ एंटीना काम करेगी। और कॉल भी ले सकते हैं आप इससे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब जो है मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद में मैं इसका मोड सेलेक्ट करता हूँ, मोबाइल फ़ोन इसमें कनेक्ट करता हूँ, साउंड सैंपल आपको दिखाता हूँ और मोबाइल फ़ोन इसमें कैसा दिखता है और मैंने कौन सा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट किया है वो भी मैं आपको अब बता देता हूँ। पहले FM इसका जो है वो सुन लीजिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में। तो FM इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब आपके पास में अगर मोबाइल फ़ोन है 5.5 इंच तक की स्क्रीन का तो ही इसमें आप लगा पाएंगे, उससे बड़ा फ़ोन है ना, आजकल वैसे भी बड़े फ़ोन आ रहे हैं तो वो आराम से नहीं घुसेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से स्लाइड करेंगे, स्क्रीन गार्ड के साथ में लगाने में दिक्कत होगी। अगर फ़ोन में कवर लगा है, कवर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। अगर फ़ोन में कवर लगा है तो इसमें पूरा फ़ोन इंसर्ट नहीं होगा। देखिए ऊपर अभी भी जगह बची हुई है और ये मेरा फ़ोन जो है अभी मैंने इसको क्योंकि पुश नहीं किया है, ये Realme C2 है मेरे पास में, तो इसको मैं पुश आराम से करूँगा, ऐसा ना हो कि मेरा स्क्रीन गार्ड टूट जाए, इसलिए मैंने इसको आराम से पुश कर दिया है। और ऐसा करने के बाद में पावर बटन भी काम कर रहा है और एज अ टच स्क्रीन भी मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि अगर आप इस पे अपने इस तरह से कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं, टीवी शोज देख रहे हैं या मेरे वीडियो देख रहे हैं आप इस पे, और कोई कॉल आ जाती है तो आप कॉल भी रिसीव कर सकते हैं। ऊपर जो 4 बटन दिए हैं उसी से आप कॉल भी रिसीव कर पाएंगे। अभी मैं आपको इसका फुल साउंड सैंपल भी सुनाने वाला हूँ कि इसकी फुल साउंड कैसे सुनाई देती है जब हम इसकी वॉल्यूम को फुल कर देते हैं। तो यहाँ पे वीडियो सैंपल कुछ इस तरीके से, आपका मोबाइल अब जैसे वीडियो प्ले करता है दिखेगा तो वैसे ही,
मोबाइल इसमें आराम से इंसर्ट हो जाएगा। 5.5 इंच की स्क्रीन है फोन की, तो आराम से पूरा स्क्रीन आप इस पे देख पाएंगे। साउंड सैंपल सुन लीजिए पहले इसके थोड़े। इसका जो स्पीकर है वो 3 वाट का है। बैटरी बैकअप की बात करूं तो तकरीबन 4-5 घंटे आराम से चल जाएगा इसका बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद में। उसके अलावा इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी, बेस भी अच्छा मिल रहा है जैसे एक ब्लूटूथ स्पीकर में मिलना चाहिए। इसका जो प्राइस है वो वैसे ज़्यादा है, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड है और लिंक है इसे खरीदने का, आप इसे खरीद सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो ये आपको तकरीबन 900 रुपये के आसपास मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पे इसे खरीदने का लिंक भी है, कूपन कोड भी मैंने वहाँ पे दे रखा है। ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है रेट्रो टीवी स्टाइल लुक में, जिसमें आप अपना फ़ोन इंसर्ट करके फ़ोन पे वीडियोस भी देख सकते हैं और ब्लूटूथ स्पीकर का मज़ा भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अगले वीडियो में कुछ और गैजेट्स दिखाऊंगा।